दोस्तों Realme X7 सीरीज के दो स्मार्टफोन Realme X7 Pro बहुत ही जल्दी इंडिया में लॉन्च होने वाले हैं, जिसमें मैं आपको Realme X7 के फुल स्पेसिफिकेशन आज के वाले वीडियो में बताने वाला हूँ। आप इस वाले वीडियो को शुरू से एंड तक पूरा देखते रहिए। मैं आपको Realme X7 सीरीज की जो भी डिस्प्ले, प्रोसेसर, लॉन्च डेट सभी स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो को शुरू से एंड तक पूरा देखते रहिए। दोस्तों वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए, नीचे जो लाल लाल बटन दिया गया उसको प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपके लिए ऐसे स्पेसिफिकेशन वाली वीडियो लाता रहता हूँ। तो दोस्तों मेरा नाम है विवेक, आप देख रहे हैं VNTech। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको Realme X7 की जो स्पेसिफिकेशन है वो बताऊँगा, बाद में इसकी प्राइस क्या हो सकती है इंडिया में सभी स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो दोस्तों इसकी डिस्प्ले की बात करें, 6.47 इंचेस की आपको एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है। एमोलेड डिस्प्ले मिल जाएगी और आपको इधर 19Hz की रिफ्रेश रेट देखने को मिल सकती है, ऐसी कुछ लीक्स निकल के आ रही है। 1080x2400 पिक्सल का रिजोल्यूशन मिल जाएगा और गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन आपको मिलने वाली है। तो डिस्प्ले तो ओवरऑल बहुत ही अच्छी आपको मिल जाएगी। दोस्तों प्रोसेसर की बात करें तो आपको इधर मीडियाटेक डायमेंसिटी 800U ऑक्टाकोर प्रोसेसर देखने को मिलने वाला है। 7nm पर बेस हो जाएगा और आपको इधर माली G57 वाला GPU देखने को मिलने वाला है। तो परफॉर्मेंस तो आपको ओवरऑल बहुत ही अच्छा देखने को मिल जाएगा। दोस्तों इसमें कैमरे की बात करें, 64MP क्वाड रियर कैमरा देखने को मिलने वाला है, जिसमें आपको 64MP प्राइमरी, 12MP वाइड एंगल, 5MP डेप्थ सेंस, 5MP माइक्रो लेंस, ऐसे क्वाड रियर कैमरे आपको देखने को मिल सकते हैं। 4K 30fps तक आप इसमें वीडियो शूटिंग कर सकते हो। और दोस्तों सेल्फी कैमरे की बात करें, 32MP की सेल्फी आपको इसमें देखने को मिल जाएगी और आप इसमें भी 1080x30fps तक वीडियो शूटिंग कर सकते हो। दोस्तों अब बात करते हैं बैटरी कैपेसिटी और फास्ट चार्जिंग के बारे में। तो आपको इधर 4300mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी, साथ में आपको 65W का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिलने वाला है। बैटरी कैपेसिटी और फास्ट चार्जिंग भी आपको बहुत ही अच्छा देखने को मिल जाएगा। दोस्तों सिस्टम UI की बात करें, Realme UI 2.0 का सपोर्ट आपको इसमें देखने को मिल सकता है, Android 11 पर बेस्ड होने वाला है। और दोस्तों और फीचर्स आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे, जिसमें अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर प्लस ड्यूअल सिम प्लस माइक्रो एसडी कार्ड का स्लॉट, ऐसे कुछ और फीचर्स आपको इसमें देखने को मिल सकते हैं। और दोस्तों अब बात करते हैं इसके प्राइस, कलर और वेरिएंट क्या सब हो सकते हैं इंडिया में। तो सबसे पहले इसके वेरिएंट की बात करें, 6GB की रैम, 64GB की स्टोरेज, 6GB की रैम, 128GB स्टोरेज और 8GB की रैम, 256GB की स्टोरेज, ऐसे तीन वेरिएंट आपको मिल सकते हैं। और वाइट, ब्लू, रेमबो, ऐसे तीन कलर भी आपको इसमें देखने को मिल जाएगी। दोस्तों मेन बात, इसकी प्राइस क्या हो सकती है इंडिया में। दोस्तों इसकी प्राइस अंडर 20,000 हो सकती है इंडिया में। कंफर्म तो नहीं हुए लेकिन ये वाला स्मार्टफोन 20,000 के अंडर ही आएगा। और दोस्तों इसकी जो लॉन्च डेट है वो अभी तक तो लीक नहीं हुए, लेकिन जब लीक होगी उसके रिगार्डिंग आपको वीडियो मिल जाएगा चैनल पे। और दोस्तों मैंने Realme X7 Pro का भी वीडियो डाल दिया है, नहीं देखा है कार्ड के ऊपर जाके देख सकते हो। सो गाइस आज के वाले वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैंने आपको Realme X7 सीरीज की जो स्पेसिफिकेशन हो सकती है सभी स्टेप बाय स्टेप बताया है। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, नीचे जो लाल वाला बटन दिया गया उसको प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपके लिए ऐसे स्पेसिफिकेशन वाले वीडियो लाता रहता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल के नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर दीजिए। तो दोस्तों मिलता आपको अगले वीडियो में, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।